कुणाल के घर मेहमान आए, वो भी शराब पी के, उनके बारे में क्या बताना चाहिए? कुणाल के घर क्या? कुणाल के घर मेहमान आए शराब पी के, तो क्या बताना? मेहमान तो डेफिनेटली नहीं है राजदीप, वो ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है घर में. एक्चुअली टुडे इज़ द फर्स्ट डे दैट वी हैव गॉट नंदिनी टू आवर हाउस आफ्टर ऑल दैट मेस दैट हैड हैपेंड ऑन द रोड. जब उसको रास्ते पे उसको छोड़ दिया था, उसको मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, उसको ठीक करा के फिर मैं घर लेकर आता हूँ. तो बेसिकली राजदीप पी पा के घर पे आता है और पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, एंड ही जस्ट वॉन्ट्स टू टेक नंदिनी बैक हिज होम. सो हम लोग उसे ऑफकोर्स लेके जाने देते नहीं, बिकॉज वी नो कि वो कितना अब्यूजिव हस्बैंड है, और किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि उसे यहाँ से भगा दिया जाए. और फाइनली उसे सिक्योरिटी से धमकी दिलवा के उसे भगाया जाता है, बट ही इज़ नॉट रेडी टू गो, एंड ही इज़ वेरी एडमेंट कि मैं नंदिनी को यहाँ से लेकर ही जाऊँगा. सो फाइनली हम उसे धमकी देते हैं, और फिर वो भी हमें धमकी देता है लास्ट में कि इस बार तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार नंदिनी के साथ बहुत बुरा होगा, और साथ ही साथ मेरे और मौली के साथ भी बहुत कुछ बुरा होगा. वो क्या होगा वो देखने वाली चीज़ है. आप लोग भी रोकते हुए नजर आते हो, नंदिनी भी नहीं जाना चाहती है. सो ये एक प्लान में कब तक कामयाब होते रहोगे आप लोग? कब तक कि नंदिनी आपके वहाँ पर रहेगी? सी आइडियली स्पीकिंग, लॉजिकली भी, अगर आपको इतना अब्यूजिव हस्बैंड होगा तो कोई भी यही स्टेप लेगा, और वही कुणाल मौली करते हैं, नहीं जाने देते हैं नंदिनी को. और नंदिनी खुद भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो रोज़ क्यों मार खाना चाहेंगे अपने पति से, जबकि उसका पति इतना इनह्यूमन है. सो दैट इज़ वी आर जस्ट यू नो डूइंग अ सोशल कॉज बाय डूइंग दैट, एंड एट द सेम टाइम वो बेस्ट फ्रेंड है मौली की. सो दैट इज़ वाई वी प्लान टू डिसाइड. कुछ ट्विस्ट देखने मिल सकता है? ये इतना बड़ा तो ट्विस्ट है, पूरा ट्विस्टर है ये. नंदिनी को नहीं जाना है, देन अभिनव यू नो फोर्स करता है राजदीप के चलना पड़ेगा आपको, एंड वो कोई एक्शन लेता है देन? जी, अगर कोई राजदीप एक्शन लेगा तो डेफिनेटली हम भी एक्शन लेंगे, फिर हम पुलिस प्रोटेक्शन लेंगे या कुछ ना कुछ लेंगे. चुप तो बैठने वाले हैं नहीं, और किसी की लड़की की ज़िंदगी के सवाल है. सो ऑब्वियसली उसकी सेफ्टी, उसके प्रोटेक्शन के लिए वी हैव टू टेक सम अदर स्टेप. अब बड़ा वाई फाइव कर रहे हो, रात को जब सड़क पे जख्मी हालत में पड़ी हुई थी तब कहा थे तुम? तब नहीं याद आई तुम्हें? अब तुम जाओ यहाँ से, यहाँ पर कोई नाटक नहीं चाहिए. गलत हुआ ना, बहुत नाटक हो गया. आप लोग सब एजिटेटेड रहिए, बॉडीली बॉडीली एजिटेटेड रहो. रोलिंग एंड रोलिंग, बस अब ब्रीदिंग करना है. कुछ नाटक नहीं होगा. तड़ दिया तो मेरे को, ऐसे ही टेलीकास्ट करूं, क्या करूं? एंड एक्शन, आप लोग भी पीछे देखते रहो. बहुत नाटक हो गया. हाँ बहुत नाटक कर लिया, हद हो चुकी है. अब चलो चलो घर, चलो चलो घर, चलो. चलो नंदिनी घर, चलो. तुम मेरी मदद करो. हाँ मेरी बीवी को यहाँ पे छुपा कर बैठे हैं, वो मेरी मदद करो. चलो नंदिनी, राजदीप बंद करो ये तमाशा, और जाओ यहाँ से. नंदिनी नहीं जाएगी तुम्हारे साथ. हम इस घर में जब उसे लेकर आए थे ना, इतनी बुरी हालत में थी वो, उस नर्क में वापस नहीं जाएगी वो. तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी. धमकियां मत दो मुझे मौली. वाह मौली जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक तो मेरी पत्नी को यहाँ पे छुपा कर बैठे हो और ऊपर से.
अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।